हेलो टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। SBI PO प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आ चुका है, आप मार्क्स भी जो है सभी बच्चों ने देख लिया होगा, जिनका जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में एग्जाम में हुआ है उन सबको जो है 247 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों। लेकिन आपका सफ़र यहाँ पे अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है, आपने अभी आधा सफ़र जो है तय किया है। मेंस का एग्ज़ाम अभी आपके सामने बाकी है, मेंस का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद जो है साथ ही साथ आपको GD और प्लस इंटरव्यू भी देना है। तो मेंस का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो है इसका मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम 20 जुलाई को जो है आपका एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो जैसा कि आपने देखा है SBI PO प्रीलिम्स में जो है पेपर मॉडरेट आया था और जो है कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहा है, आप सभी ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया है, काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पे SBI PO मेंस में भी आपको इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करने के लिए bankersadda.com और Adda247 ऐप ने मिलके एक SBI PO मेंस 2019 का ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा प्लान जो है bankersadda.com पे हमने डाल रखा है। तो आपको इसी प्लान को जो है अच्छे से फॉलो करना है और बाकी जो रिमेनिंग डेज जो हमारे मेंस एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, आपको इस प्लान को जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से फॉलो करना है और उसी तरीके से फिर आगे चल के एग्ज़ाम आपको जाके देना है। तो अगर हम देखें जो है हमने इसमें क्या क्या जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो है इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों जो है सब्जेक्ट्स का जो है हमने अलग अलग क्विज यहाँ पे हमने फॉलो करवाया है, ताकि आप जो है सभी तीनों लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसमें रखा गया है हमने बच्चों, इसमें जो है हमने रखा है, अगर आप बात करूँ मैं, फर्स्ट ऑफ जुलाई से ही जो ये स्टडी प्लान ये चल रहा है। जून में ऑलरेडी चल चुका था, जुलाई में जैसे हमने बॉक्स बेस्ड पजल को रखा था, डेटा सफिशिएंसी थी, ब्लड रिलेशन था, लॉजिकल के क्वेश्चंस थे, मतलब SBI PO प्रीलिम्स का पेपर तो मॉडरेट रहा था, लेकिन मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर ऑब्वियसली प्रीलिम्स से टफ रहेगा और पेपर जो है आपका अच्छे लेवल का आने वाला है। तो आपको क्या है, कमर कस के रखना है, तैयारी अच्छे से करनी है, प्रिपरेशन आपका अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने मिसलेनियस टॉपिक रखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा था, सिंप्लीफिकेशंस के जो है यहाँ पे टॉपिक थे, इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस और जो है फिलर्स के टॉपिक थे। सेम उसी तरीके से फिर हमने स्क्वायर पजल रखा था, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट था, फिर मिसिंग डेटा जो है हमने रखा था DI का, नंबर सीरीज एंड डेटा सफिशिएंसी था, पैरा जंबल, सेंटेंस कनेक्टर्स और कॉलम्स के क्वेश्चंस रखे थे। तो इस तरीके से जो है ये कंप्लीट प्लान जो है 19th ऑफ जुलाई तक जो है आपका फॉलो होने वाला है, फिर 20th ऑफ जुलाई को जो है आपका एग्ज़ाम है, मतलब 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद एक स्टेप और है, उसके बाद जो है आप सीधा SBI बैंक के अंदर होंगे PO के फॉर्म में। तो जो है ये आपके सामने बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है, सुनहरा अवसर है आपके सामने। तो जैसा आपने प्रीलिम्स में जिस तरीके से मेहनत किया है, अपने कुछ दिन और बाकी रह गए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करना है और मेंस एग्ज़ाम भी जो है आपको क्लियर करना है। तो इस तरीके से देखिए, आपने 5th ऑफ जुलाई को भी हमारा अलग टॉपिक है, फिर 7th को हमने प्रैक्टिस सेट दे रखा है, 9th ऑफ जुलाई को फिर अलग अलग टॉपिक्स हैं यहाँ पे, 11th ऑफ जुलाई में फिर अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस हैं, फिर 15 जुलाई, 17th और 19th। इस तरीके से करके हमने जो यहाँ पे तीनों लैंग्वेज के अलग अलग टॉपिक्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको इस तरीके से कंप्लीट फॉलो करना है और डेडिकेट होकर जो है यहाँ पे स्टडी करनी है बच्चों। ये 2019 में आपको जो है SBI बैंकर बनना है, तो आपको जो है स्टडी प्लान ये फॉलो करना पड़ेगा और डेडिकेट होकर जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो आप ये पूछोगे सर, ये जो है हमें स्टडी प्लान मिलेगा कहाँ से, तो आप जो है bankersadda.com आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, या फिर आप जो है हमारा Adda247 ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। इन केस जो है यहाँ इन दोनों जगह से भी आपको कहीं अगर खोजने में दिक्कत होती है, या फिर इन केस आपको इसी स्टडी प्लान के रिगार्डिंग या फिर कुछ और भी जो है कोई टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछने हैं, तो आप जो है मैं आपको एक मेल ID प्रोवाइड कर रहा हूँ, prime@adda247.com। इस मेल ID पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, इस मेल ID पे जैसे ही आप मेल करेंगे जो भी क्वेरी होगा हम आपके सामने जो है आपको जो है रिवर्ट करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो हमारा मेल ID है prime@adda247.com। इस मेल ID पे आप मेल करेंगे, हम आपका जो है आंसर्स जो है जरूर करेंगे, क्वेरी का जो है रिजॉल्व जरूर करेंगे हम आपकी क्वेरी का। तो बच्चों कुछ ही टाइम जो है SBI मेंस एग्ज़ाम में बाकी है, आप सभी काफ़ी अच्छे से मेहनत करें, डेडिकेट होकर मेहनत करें, हम जो है Adda247 परिवार आपके सामने आपके साथ हमेशा है। तो हम चाहेंगे कि इस 2019 में आप बैंकर बने और जो है सफलता जो है आप हासिल करें, और 2019 जो आपके लिए गोल्डन ईयर है, अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और बैंकर बने। तो आई होप सभी अच्छे से आप एग्ज़ाम देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।